जय श्री श्याम बच्चों बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। मैं बात करने वाला हूं सीएमए फाउंडेशन जून 2024 के बच्चों के लिए। काफी बच्चे इस टाइम परेशान है, मोटा मोटी आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीने बच्चे समझ नहीं पा रहे कि सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा कब पढ़ना है। कोई कहता है कि सर मुझे सवेरे ये समझ में आता है, रात को मुझे ये समझ में आता है। तो काफी सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, डरे हुए हैं कि सर इस बार नहीं निकाल पाएंगे, सर तैयारी नहीं हुई सही से, कैसे करें। बच्चों इस सब पीछे के कारण एक है, क्या टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोग टाइम को सही ढंग से मैनेज नहीं करते। तो सबसे पहले अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया बच्चों, तो आप पास हो सकते हैं, आप पहले अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाल सकते हैं। अभी भी देखा जाए मोटा मोटी आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीने, तो चलिए देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करना है। अब मैं अगर बात करूं बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल तैयार करना चाहिए। क्या शेड्यूल तैयार करना है कि सर मॉर्निंग शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए, आफ्टरनून में कितना होना चाहिए टाइम देना चाहिए स्टडी को, इवनिंग में कितना टाइम देना चाहिए सर। तो सबसे पहले बच्चों ये शेड्यूल मेंटेन करिए। ये 2 से 2.5 महीने जो है समझ लीजिए आप लोग के लिए बहुत क्रूशियल है। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, फोन को एक तरफ रख दीजिए, ठीक है, कोई शादी कोई पार्टी कोई कुछ नहीं, 2.5 महीने ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। ऐसा आप लोग शेड्यूल बनाओ मॉर्निंग में कि इतने बजे तक मैंने क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, उसी तरीके से आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है। ये शेड्यूल मेंटेन करो अपना। मॉक टेस्ट पेपर कितने मॉर्निंग में करने हैं, इवनिंग में कौन से काम करने हैं, ये सारा अपना प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। इसके ही अंदर आपको यह भी देखना है कि सिर्फ टॉपिक कवर नहीं करना है, एमसीक्यू भी देना है। जो आपके एमसीक्यू लगे एक्सरसाइज में खास करके उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं फ्री में आपको, वो आप लोगों ने करना है ना। आईसीएमआई में अगर आप देखेंगे तो फ्री के मॉक टेस्ट पेपर है बहुत सारे, डाउनलोड करिए उसे सॉल्व करिए, वो डेली बेसिस पे करना है। डेट डालो, टाइम डालो, टॉपिक्स कौन सा कवर करना है वो डालो, टेस्ट कब देना है ये डालो। अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन करके चलते हैं 2 से 2.5 महीने बच्चों, कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता है। 110% कह रहा हूं कि आप पास हो जाएंगे। बस मेरी इतनी बात सुन लो कि ये शेड्यूल, ये जो टाइम, ये 2 महीने 2.5 महीने ये इसको मैनेज कर लो, बस आप आसानी से पेपर निकालोगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।